24 परगना से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां तूफान यास के टकराने से पहले एक जबरदस्त बवंडर से हड़कंप मचा। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास के सुबह टकराने का अनुमान था, और लेकिन इससे पहले उत्तर 24 परगना के हाली शहर से जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने लोगों को चौंका दिया। वहां एक ताकतवर बवंडर उठने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। पानी में उठा ये बवंडर तेजी से रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने लगा। बवंडर की ताकत देखकर लोग भी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। तो ये उत्तर 24 परगना की तस्वीर आप देखिए। तूफान से पहले बवंडर आया, और जो बवंडर आया उसके बाद लोग काफी ज्यादा घबरा गए। जो आसपास लोग थे वो दहशत में नजर आए। बवंडर तेजी से रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने लगा। बवंडर की ताकत देखकर लोग भी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान यास ओडिशा के भद्रक पहुंच गया है। अब से कुछ देर पहले यास धामरा में तट से टकरा गया, जिसकी वजह से वहां तूफानी हवाएं चल रही है। कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। यास के असर से ओडिशा और बंगाल के कई जिलों में तूफानी हवाएं चल रही हैं। हम अभी ओडिशा के भद्रक जिला के धामरा बीच पर है, जहां पे यास लैंडफॉल हो सकता है। पहले आपको दिखाएंगे, भयंकर होता जा रहा है यस तूफान, और वही चित्र बयान कर रहा है कि चक्रवात की कारनामा कितना तेज है। हवा की रुख बढ़ रखता है, और दूसरी तरफ भारी बारिश भी हो रही है और पेड़ उखड़ गई है। सड़क पर खड़े होकर लाइव करना मुश्किल भी हो गई है। लैंडफॉल करके उस वक्त हवा का स्पीड 140 लेकर 160 तक रहेगा, और कुछ जगह में ज्वार भी आ सकता है। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे जो लैंडफॉल करेगा। जो तस्वीर है उड़ीसा का भद्रक जिला में धामरा ब्रिज के पास, जहां पे तूफान यस लैंडफॉल कर सकता है। ये तस्वीर ही बयान कर सकता है कि लैंडफॉल कितना भयंकर हो सकता है। यास के ओडिशा पहुंचने की वजह से भद्रक जिले में भारी बारिश हो रही है। बालासोर में यास की वजह से तूफानी हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा पूर्वी मेदिनीपुर के मंदारमनी में भी तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 3 से 4 घंटे तक चलेगी। इस बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बहुत भारी बारिश होगी। दोपहर के बाद तूफान की रफ्तार कुछ कम हो जाएगी, लेकिन तूफान आगे बढ़ता रहेगा। तूफान के असर की वजह से बंगाल के कई जिलों में बारिश हो सकती है। शाम से ही झारखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी, और अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान के झारखंड पहुंचने की उम्मीद है। और बहुत बारिश कई जिलों में हो सकती है। हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। तो यास तूफान जो है उड़ीसा पहुंच चुका है। तस्वीरें आप देखिए, ये तूफान भद्रक में टकराया है। कई जगह पर जोरदार बारिश भी हो रही है, और जो तूफानी हवाएं चल रही है इससे लोग ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में वहां पर अलर्ट है, और जो आसपास के गांव हैं उनको खाली करवा दिया गया है। 3 घंटे तक इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा, और तूफान की वजह से कई इलाकों में जोरदार बारिश भी हो रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में यास की वजह से जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां बहने वाली नदियां उफान पर हैं। लेकिन लोगों की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब गंगा नदी का पानी कई गांव में घुस गया, जिससे वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। तो बंगाल के दक्षिण 24 परगना की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पानी कई इलाकों में पहुंचा, और ऐसे में लोगों की मुसीबतें ज्यादा बढ़ गई क्योंकि नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया। और ये सब असर है यास तूफान का। नदियां उफान पर है यास तूफान की वजह से, लेकिन मुश्किलें लोगों की तब और बढ़ गई जब गंगा नदी का पानी कई गांव में घुस गया। तो गंगा नदी का ये पानी है जो कि कई इलाकों में घुसा है। दक्षिण 24 परगना की तस्वीरें आप देखिए, यास तूफान का असर है, और गांव में इस वक्त स्थिति यह है कि बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ऐसे में जो निचले इलाके हैं उनको खाली करवा दिया गया है, ताकि कम से कम नुकसान हो पाए।
और स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं। इसके अलावा सेना भी मुस्तैद है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके, क्योंकि बंगाल में भी भारी बारिश इस वक्त कई इलाकों में हो रही है। दक्षिण 24 परगना की तस्वीरें आप देखिए, यास तूफान का असर नदियों पर है, नदियां उफान में है और उफनती नदी का पानी कई गाँव तक पहुँच गया। ऐसे में लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई और गाँव में इस वक्त हालात ये है कि कभी भी बाढ़ आ सकती है। अब उड़ीसा से टकराया है, लेकिन उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल में यास तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और 3 घंटे काफी ज्यादा अहम है। और बताया ये गया है कि दोपहर के बाद यास तूफान कमजोर पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद ही स्थिति का आंकलन होगा कि इस तूफान ने कितनी तबाही मचाई। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो डराने वाली है। डराने वाली इसलिए है क्योंकि नदियां उफान पर है और नदियों का पानी गाँव में पहुंच रहा है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें पेश हुई और कई गांव खाली हैं इस वक्त। लैंडफॉल प्रोसेस हैज स्टार्टेड एंड इट विल कंटिन्यू फॉर 3 आवर्स फॉर कंप्लीशन द लैंडफॉल एंड सो इट इज कंप्लीटेड विद इन द ड्यूरिंग द नून टाइम। ओके एंड ड्यूरिंग द लैंडफॉल द विंड स्पीड विल बी अराउंड 130 to 140 गस्टिंग टू 155। ओके एंड After that landfall, it will gradually weaken and it will move to through our interior Odisha and then it will go towards our Jharkhand. Okay. And under its impact, rainfall occurred. Highest rainfall occurred at Chandbali 288.3 मौसम वैज्ञानिक मिलीमीटर। तो उन्होंने कहा कि ओडिशा में जो हवाएं हैं वो 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, लेकिन दोपहर के बाद जो तूफान है वो कमजोर पड़ेगा और उसके बाद ये झारखंड पहुंचेगा। आशिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, ओडिशा में ये तूफान टकराया है लेकिन पश्चिम बंगाल में भी इसका